सुप्रभात मित्रों, दो दिन पहले मैंने आपको वसंत कक्षा 8 का पहला लेसन ध्वनि पढ़ाया था, उसके शब्दार्थ भी मैंने आपको समझाए थे। आज मैं आपके लिए प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी तो काफी नवीन कार्य करने हैं उसे। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। प्रश्न 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित बनाना चाहता है। अतः कवि नींद में पेड़ पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। प्रश्न 4, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन में होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती हुई ऐसे दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा है। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुह कुह की आवाज से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु से उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। आपको ये सारे प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। धन्यवाद।